मणिपुर हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ हुए अमानवीय कृत्य का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश ने इस घटना की निंदा की। इस कड़ी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दुर्ग के मालवीय नगर चौक पर पुतला दहन किया। दुर्ग के मालवीय नगर चौक पर रविवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में हुए महिलाओं के साथ अमानवीय कृत्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। साथ ही जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी कड़ी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना था कि मणिपुर व केंद्र की डबल इंजन की सरकार ने मिलकर पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी प्रधानमंत्री मणिपुर की सरकार को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। वहीं एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू साहू ने कहा कि भारत देश के अंदर 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देश को लेकर कोई चिंता नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वे अपना दौरा कर रहे हैं लेकिन मणिपुर की चिंता नहीं कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को जाने से रोका जाता है। मणिपुर में काफी हिंसा हो रही है लेकिन देश के प्रधानमंत्री कोई चिंता नहीं जता रहे। आने वाले दिनों में देश के लोगों द्वारा सत्ता से बाहर किया जाएगा। आज भारत देश के अंदर मणिपुर है, वहाँ पे लगातार 80 दिनों से हिंसा, वहाँ पे आज ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है जो आज देशवासियों के सामने, पूरे देश के करोड़ों लोगों के सामने यह चिंता का विषय है कि मणिपुर एक हिंसा के उसमें जल रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, आज उनको एक रुपये के भी देश के प्रति कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनको अभी सामने विधानसभा चुनाव है, उसको लेके सारे प्रदेशों में दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर के विषय को लेके ना तो नरेंद्र मोदी जी एक शब्द बोलते हैं, ना ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उसके विषय को लेके किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करते। टिप्पणी कहने का सेंस ये है कि जब हमारे नेता राहुल गांधी जी वहाँ जाते हैं तो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। राहुल जी, इस देश में नफरत को मिटाने के लिए और प्यार की सौगात देने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का एक ऐतिहासिक यात्रा किया, उसी के तर्ज पे मोहब्बत जुटाने के लिए मणिपुर गया, लेकिन उनको भी उस जगह से रोका गया। क्या देश के प्रधानमंत्री जी इतने बड़े महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, देश में ये स्थिति हो रही है, उस हिंसा को लेके अभी भी सशक्त नहीं है। आने वाला समय निश्चित रूप से देश की करोड़ों जनता इस विषय को गंभीरता से लेगी और देश के प्रधानमंत्री जी को सत्ता से बाहर कर उनकी ये अहंकारी जो राजा हैं यहाँ देश के, उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। भाजपा की कथनी करनी में यही तो फर्क है। वो क्या कह रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज एक बेटी जल रही है, उनके साथ रेप हो रहा है, उनके साथ बलात्कार, उनकी हत्या हो जा रही है, तो क्या ये देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी को ये बात सुनाई नहीं देती क्या? क्या देश की जनता उनको ये बताना चाह रही है कि आइए आप जाइए मणिपुर, देखिए वहाँ की स्थिति, देखिए समझिए। आप जब तक ग्राउंड में नहीं रहेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आप हवाई यात्रा करेंगे तो आपको सिर्फ ऊपर हवाई हवाई दिखेगा। आपको अगर देश की वास्तविक स्थिति जाननी है तो मैदान में आना पड़ेगा। हमारे देश में 70 साल के इतिहास में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई थी। मणिपुर की जो घटना है ये हमारे लिए हमको इंसानियत के नाते झकझोर रही है। ये घटना हमारे गृह मंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को, साथ ही मणिपुर के मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी को इस्तीफा देना चाहिए और वहाँ की हिंसा जो हो रही है उस पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करके उसको काबू में किया जाना चाहिए। कि इस प्रकार की घटना जो हो रही है, ये एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ है ना देश की बेटी निर्वस्त्र घुमाई जा रही है ना, इससे ये सबसे आज के डेट में ये इतिहास में सबसे काले पन्ने में ये दर्ज होगा कि मणिपुर की ऐसी हिंसा और 70 दिन से प्रधानमंत्री जी मौन है और अब ये बोल रहे हैं कि ये मेरे जी को ठेस पहुंच रहा है ये घटना से। 70 दिन तक आप क्या कर रहे थे जब वहाँ पे ये सब चीज़ हो रहा था? ये हमारे प्रधानमंत्री से निवेदन है कि मणिपुर के लिए कुछ दिशा निर्देश करें, कुछ ऐसे अपने जारी करें जिससे ये घटना दोबारा किसी भी राज्य में और कहीं भी ना हो। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।